हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप रियलमी सी 15 की जो इंटरनल स्टोरेज प्रॉब्लम है उसे आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, जो इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी जल्दी भर जाती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजबल होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरीके की नॉलेजबल वीडियोस मिलती रहेंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस, इंटरनल स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली जाना है, सबसे पहले आपको अपनी फोन की सेटिंग में। जैसे ही आप अपनी फोन की सेटिंग में जाओगे तो गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस, जैसे कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा तो गाइस, आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की ओर आ जाना है। जैसे ही आप नीचे की ओर आओगे, आपको यहाँ पे सीधा साफा एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट का। आपको सिंपली ऐप मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप अब आपको यहाँ पे ऐप लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली क्लिक कर देना है ऐप लिस्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। आपको यहाँ पे एक एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे एक स्टोरेज यूजर्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और आपको क्लियर डाटा एंड क्लियर चैट कर देना है। जैसे इस सेटिंग को करोगे और इस सेटिंग को करने के बाद गाइस, आपको आ जाना है बैक आने के बाद गाइस, आपको अपनी फाइल मैनेजर में चले जाना है। जैसे ही आप जाओगे तो गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे फोन स्टोरेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइस, अब गाइस, आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपली जो फालतू फाइल है आपके फ़ोन में उनको आपको डिलीट कर देना है। जैसे कि कलर ओएस हो गया, जैसे जो भी आपको फालतू फाइल लगे उन्हें डिलीट कर देना। जैसे आप डिलीट करोगे तो गाइस, आपके फ़ोन में जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा, जिससे आपकी इंटरनल स्टोरेज प्रॉब्लम है वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही।